अगर आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और अदर लोकल लैंग्वेज में काम ढूंढ रहे हो, वो भी ऐसा काम जो कि इजी हो, जैसे टाइपिंग वर्क, लैंग्वेज एक्सपर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा, तो आज मैं आपको ऐसा काम बताने वाली हूँ जिसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल ऑन स्पॉट रहेगा और ऑन स्पॉट ही आपको यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट भी देना होगा। असेसमेंट टेस्ट इजी रहेगा और असेसमेंट टेस्ट देने का एक बेनिफिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा सर्टिफिकेट। आपको कंपनी के सीईओ एंड को फाउंडर के थ्रू साइंड सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका नाम भी मेंशन होगा, और इस सर्टिफिकेट का यूज आप कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। 12th पास, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी यहाँ पे पैन इंडिया से एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इंडिका एआई की तरफ से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जो कि इंडिया की एआई सर्विस बेस्ड कंपनी है एंड बैक्ड अप है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही ये लोग कई सारी बड़ी एमएनसीज को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे सैमसंग, अमेजोन, इंटेल, ओला, नासकॉम एंड मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। स्टार्टअप कंपनी है जो कि यहाँ पे अभी बल्क में हायरिंग कर रही है, और इनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन भी मिलता है कि आप काम को फुल टाइम कर सकते हो जो कि 8 आवर्स का वर्क रहेगा, या फिर आप काम को पार्ट टाइम कर सकते हो जो कि 2 घंटे से लेकर 4 घंटे का काम होगा, या फिर आप स्मॉल टास्क बेस्ड काम भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और जो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं फुल टाइम, पार्ट टाइम बेसिस में, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जिस टाइम भी आप फ्री होते हो उस टाइम अपने टाइम को शेड्यूल करके आप लोग काम कर सकते हो। तो ये है इंडिका एआई की वेबसाइट, एक्सेलरेटिंग फिनटेक एआई, वॉइस एआई, हेल्थ एआई और भी बहुत सारे सर्विसेज एआई की आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वर्किंग विद द बेस्ट एंटरप्राइजेस अक्रॉस द ग्लोब फॉर एंड टू एंड एआई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, ट्रस्टेड बाय बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिका एआई ट्रस्टेड है बाय बेस्ट कंपनीज। कंपनीज के नेम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आर प्रोडक्ट्स सुपर चार्ज योर एआई वर्कफ्लो विद आर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे काफी डाइवर्स प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डेटा कलेक्शन, डेटा डिजिटलाइजेशन, डेटा एनोनिमाइजेशन, डेटा एनोटेशन, फाइन ट्यूनिंग एंड कस्टमाइजेशन, ट्रस्ट एंड सेफ्टी। तो वर्क विद अस में जाके भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी ये वेबसाइट अपडेट हो रही है, तो हो सकता है वर्क विद अस में क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट लोड ना हो, तो इसलिए मैं आपको सेकंड लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी जो कि डायरेक्ट लिंक होगा अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना है, ज्वाइन फ्लेक्सी बेंच द इंडिका एआई वर्कफोर्स। तो इंडिका एआई की ही ये वेबसाइट है। यहाँ पे इसी वेबसाइट में आपको अपने डिटेल्स को फिल करना होगा, बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल टीम एम्पावरिंग एआई ट्रेनिंग अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देके आपको दोनों ही चेकबॉक्स को टिक करना है एंड देन साइन अप करना होगा। जैसे ही आप साइन अप कर लोगे आप इस डैशबोर्ड में आ जाओगे, और सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है यहाँ पे वो रहेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑनबोर्डिंग आप पहला प्रोसेस देख सकते हो, गेन एक्सेस टू प्रोफाइल एंड असेसमेंट टेस्ट। तो जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर दोगे तभी आपको एक्सेस मिल पाएगा टास्क में अप्लाई करने के लिए एंड असेसमेंट टेस्ट देने के लिए। तो पहला प्रोसेस रहेगा कंप्लीट ऑनबोर्डिंग, दूसरा रहेगा पास असेसमेंट टेस्ट, बिकम एलिजिबल टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, Apply for a project, start your career journey with us. तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, go to profile setup में जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को एड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे जेंडर को एंड देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना होगा, प्रेजेंट एड्रेस एंड सिटीजनशिप, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट, सिटी, स्ट्रीट एड्रेस फिल करेंगे। अगर आप सिटीजन हो सेम कंट्री के तो सेम एज द कंट्री इन प्रेजेंट एड्रेस में टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड एंड लैंग्वेज स्किल्स को फिल करना होगा,
एकेडमिक बैकग्राउंड में आप लोग यहाँ से अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है, सोशल साइंस से, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग आपने की है, तो जो भी आपका स्पेसिफिक डोमेन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने किसी और डोमेन में अपनी स्पेशलाइजेशन की है तो उसमें आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है। आप 8th पास हो, 12th पास हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी आपने स्टडी की है वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा लैंग्वेज स्किल्स ऐड करने का। कितनी भी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेजेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, प्रोफिशिएंसी उसके बाद हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। मैंने चूज किया है एडवांस। नेक्स्ट मैं ऐड अनदर लैंग्वेज में जाके एक और लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करूंगी जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मैं यहाँ से सेलेक्ट करके प्रोफिशिएंसी में एडवांस सेलेक्ट करूंगी। मुझे दो ही लैंग्वेज आती है तो मैंने यहाँ पे दो लैंग्वेज सेलेक्ट की है। अगर आपको और भी लैंग्वेज आती है तो ऐड अदर लैंग्वेज में जाके आप लोग उस लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। वर्क एक्सपीरियंस एंड अवेलेबिलिटी को यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले करंट ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिखोगे, लेकिन यहाँ पे टाइप करना कंपल्सरी रहेगा। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में जाके आपको 0 ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले डेटा एनोटेशन प्रोजेक्ट्स में काम किया है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इस चेकबॉक्स को ऐसे ही रहने देंगे। अब अपलोड करना है रिज्यूमे को, सेलेक्ट करेंगे रिज्यूमे को एंड अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो रिज्यूमे अपलोड होगा वो आपको याद रखना है कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप यहाँ पे अपलोड करो, वर्ड फॉर्मेट को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है डेटा एनोटेशन में तो 0 ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। वर्क इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी, प्रोजेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन, तो मैंने सारे ही प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे टिक कर दिया है क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल सकता है तो सारे में ही टिक करना ज्यादा बेटर रहता है, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। टाइप ऑफ जॉब यू आर अवेलेबल फॉर, तो आप यहाँ पे फुल टाइम काम करना चाहते हो, पार्ट टाइम काम करना चाहते हो या फिर स्मॉल टास्क में काम करना चाहते हो, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फुल टाइम अगर आप चूज करते हो तो 8 घंटे की आपकी शिफ्ट्स रहेंगी। पार्ट टाइम अगर करना चाहते हो तो 2 घंटे से लेकर 4 घंटे आप यहाँ पे दे सकते हो। स्मॉल टास्क के लिए जब भी टास्क मिलेंगे आपको, वो शॉर्ट टाइम के टास्क होते हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। अब आपको यहाँ पे प्रेफर्ड वर्किंग आवर चूज करना होगा। जो भी आपने जॉब टाइप चूज किया है, जैसे फुल टाइम अगर आपने चूज किया है तो आपको 8 से 9 घंटे यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। पार्ट टाइम अगर आपने चूज किया है तो आपको 2 से 4 घंटे का टाइम यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे टाइम जोन को। IST मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। अब स्टार्टिंग आवर मैं चूज कर रही हूँ 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, और अब हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा अपना व्हाट्सएप नंबर। अ वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंड टू योर व्हाट्सएप अकाउंट। वेरीफाई योर व्हाट्सएप नंबर बिफोर यू कैन एड इट to your profile, tap verify number below to send a verification code to your WhatsApp account associated with this number. तो आपको वही नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसमें आप WhatsApp यूज करते हो, क्योंकि WhatsApp में ही आपको यहाँ पे OTP मिलेगा। OTP को एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे। योर प्रोफाइल इज सेटअप सक्सेसफुली, यू कैन नाउ सी रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स फॉर यू, ऑल्सो यू कैन पार्ट टेक इन असेसमेंट टेस्ट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। तो अब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए, साथ ही असेसमेंट टेस्ट को देने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो। रिकमेंडेड टास्क भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये टास्क नहीं करने हैं, मुझे लैंग्वेज एक्सपर्ट या फिर लिंग्विस्टिक टास्क चाहिए, तो मैं ऑल टास्क में जाऊंगी। ऑल टास्क में जाके अब हम यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक भी कर सकते हैं किस टाइप के टास्क मुझे चाहिए। मैंने डेटा कलेक्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जनरलाइजेशन, अदर, डेटा कलेक्शन, जनरलाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, ये सब सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे अलग अलग टाइप की जॉब्स भी अवेलेबल हैं, जैसे टेक्निकल कंटेंट राइटर, AI कंटेंट राइटर, एडिटर, फोटोग्राफर। तो अगर आपको इनमें भी इंटरेस्ट है, इन चीजों में भी इंटरेस्ट है, तो भी आप इन टास्क में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है लैंग्वेज एक्सपर्ट इंग्लिश का एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट हिंदी का।
तो मैं इन दोनों ही टास्क में यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। पर टास्क के यहाँ पे 1,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 रुपीज पर टास्क कंप्लीटेड एंड 3,000 रुपीज टोटल इनकम मेरी यहाँ पे होगी। तो अप्लाई में जाके हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके अलावा जिन टास्क में मैं अप्लाई करने वाली हूँ वो है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट AI ट्रेनिंग लोकलाइजेशन। ये भी कई सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे हिंदी लैंग्वेज में करना है तो मैं हिंदी लैंग्वेज एक्सपर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हिंदी भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें 500 रुपीज पर टास्क कंप्लीटेड के मिलेंगे, 6,000 रुपीज टोटल इनकम मेरी यहाँ पे होगी। तो मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हिंदी में भी यहाँ पे अप्लाई करूंगी। अप्लाई टास्क में जाके हम चेक भी कर सकते हैं किन किन टास्क में मैंने अप्लाई किया है। तो 4 टास्क टोटल मैंने अभी यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं जो कि अभी अंडर रिव्यू हैं। टास्क में मैंने अप्लाई किया है वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग AI ट्रेनिंग, अभी यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू में है। योर एप्लीकेशन फॉर दिस टास्क इज अंडर रिव्यू। जैसे ही मेरी एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव टास्क में जाके मैं चेक कर पाऊंगी और यहीं से ही मुझे काम स्टार्ट करना होगा। अब हमारे पास ट्रेनिंग एंड असेसमेंट का ऑप्शन भी ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन करने का। इन कोर्सेज से आप काफी कुछ सीख सकते हो। AI ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम है ये। जैसे ही आप इन कोर्सेज को कंप्लीट करोगे तो आप अदर टास्क में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और आपकी जो प्रोफाइल जितनी अच्छी आप यहाँ पे बिल्ड करोगे उतने ज्यादा आपको टास्क यहाँ पे मिलेंगे। सेकेंड जो ऑप्शन हमारा ओपन हो गया है वो है असेसमेंट टेस्ट का। यहाँ पे एक AI बेसिक्स का असेसमेंट टेस्ट है, फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज असेसमेंट टेस्ट ये रहेगा। 20 मिनट का ये टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट अवेलेबल AI बेसिक नॉलेज असेसमेंट टेस्ट ये है। आप चाहो तो पहले व्यू फुल कोर्स में जाके AI ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट आप यहां से इसे रीड आउट कर सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए ओपन किया था। मार्क एस कंप्लीट मैंने कर दिया है। टेक असेसमेंट में हम जाएंगे। असेसमेंट टेस्ट गाइडलाइन, द टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर नेसेसरी टू अटेम्प्ट। टू पास द क्विज यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60% और एटलीस्ट 3 आंसर शुड बी करेक्ट। गुड लक। 5 में से 3 आंसर आपके करेक्ट होने यहाँ पे जरूरी है। 20 मिनट का टाइमर यहाँ पे चलेगा। आराम से पढ़ के आप लोग टेस्ट को आंसर कर सकते हो। स्टार्ट टेस्ट में जाएंगे, टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI? एनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, स्टिमुलेटिंग ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन, आर्ग्यूमेंटिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर रहेगा वो होना चाहिए आर्ग्यूमेंटिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। व्हाट मेक्स AI रेलेवेंट एंड वैल्यूएबल अक्रॉस डाइवर्स फील्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है इट्स एबिलिटी टू ऑटोमेट टास्क एंड जनरेट इनसाइट। थर्ड है, व्हाट इज द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ AI? का जो आंसर रहेगा वो होगा इट्स रेलिवेंस एंड वैल्यू अक्रॉस डाइवर्स फील्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट पुटिंग योर इंटेलिजेंस इन मशीन। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? टू क्रिएट मशीन दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स। अब सबमिट करके देखते हैं मैं पास होती हूं या फिर नहीं। Congratulations, you have completed successfully. मैंने complete कर दिया है। Assessment test को complete करने के लिए जो time मैंने लिया था वो था 1 minute and 49 seconds. Percentage scored है 60%. तो अब ये assessment मेरा यहाँ पे complete हो गया है, तो इसका मुझे अब यहाँ पे certification भी मिल जाएगा। Certificate यहाँ पे available हो चुका है, तो certifications में जाएंगे and view certificate में जाके मैं अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकती हूँ।